गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पंचायती राज या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। एक ही बात है दोनों, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे आज, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पंचायती राज क्या है और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे कहेंगे, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता हूं। प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र, प्रजा के द्वारा स्थापित किया गया तंत्र प्रजातंत्र। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि सत्ता को किसी एक केंद्र से भिन्न भिन्न केंद्रों में बांट देना। सत्ता को किसी एक केंद्र को भिन्न भिन्न लोगों में पावर बांट देना विकेंद्रीकरण होता है। भूमिका के रूप में मैं अगर कहूं तो ये कहना चाहूंगा कि आजादी के समय सन 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी से पहले हम विदेशी शासकों के अधीन जीवन यापन कर रहे थे और उस समय सत्ता का केंद्रीयकरण था, सत्ता का सेंट्रलाइज सत्ता थी। ऊपर से जो आदेश आते थे उसको नीचे फॉलो किया जाता था और वो स्थिति हमने देखी है कि हमारा देश जो आज़ादी से पहले, बहुत पहले विदेशी आक्रमणों से पहले, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, इस 300, 400, 500 सालों में जो हमारे देश पर आक्रमण हमले हुए उसके कारण हम सोने की चिड़िया से ऐसी स्थिति में आ गए थे आज़ादी के समय में कि हमारे पास कुछ भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी जिस पर हम जीवन यापन कर सके। हमें हर चीज बाहर से मंगवानी पड़ती थी, हमें छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक उत्पादन नहीं होने के कारण, देश में उत्पादन नहीं होने के कारण विदेशी वस्तुओं पे हमें निर्भर रहना पड़ता था। ये स्थिति कैसे आई, लंबे समय तक देश आजादी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और विदेशी शासकों ने इस देश का जमकर इस देश में संसाधनों की लूट कसौट बचाई और यहां के ज्यादातर संसाधनों को विदेशों में ले गए। तो जब 1947 में हम आजाद हुए तब हमारे सामने था कि अब देश का विकास करना है, क्योंकि देश की लगभग 3/4 आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए जरूरी है कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है, अदरवाइज देश का विकास संभव नहीं होगा। तो जरूरी यह था कि देश का विकास करने के लिए हमें गांव का विकास करना पड़ेगा और गांव का यदि विकास करना है तो हमें गांव में यानी देश के कोने में अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास हमें करना पड़ेगा और वो विकास जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक उस अंतिम व्यक्ति, क्योंकि गांव में रहते हैं तो इसलिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उस गांव में आपको पहुंचना पड़ेगा और गांव का विकास करना पड़ेगा। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें उनकी जो भावना थी इस प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भावना थी। सच्चा प्रजातंत्र केंद्र में बैठे हुए विशेष लोगों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसे नीचे से चलाना होगा, हर गांव के लोगों को चलाना होगा। इस भावना में सब कुछ शामिल है कि यदि शासन ऊपर से ही चलता रहेगा तो प्रजातंत्र का जो सपना है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि हमें प्रजातंत्र का सपना साकार करना है तो हमें नीचे से ऊपर शासन के जो बिंदु हैं वो नीचे से उठाकर ऊपर लाने पड़ेंगे। नीचे का जो कोना है वहाँ भी प्रजातंत्र को लागू करना पड़ेगा, वहाँ भी संपूर्ण विकास के संबंध में बातचीत करनी होगी, नियम कानून बनाने होंगे और उसको अमली जामा पहनाना होगा। ये महात्मा गांधी के विचार थे। दूसरा, मैं ये कहूँगी प्रजातंत्र पंचायती राज है इसके संबंध में एक अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक बात कही है अब्राहम लिंकन ने, इसमें कहा गया है विकेंद्रीकरण के संबंध में अब्राहम लिंकन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रजातंत्र कहलाता है, यानी प्रजातंत्र किसे कहेंगे कि जनता ही करने वाली है, जनता के लिए ही करना है और जनता के द्वारा ही किया जाना है। जब ये तीनों चीजें जहां शामिल होंगी उसे हम प्रजातंत्र कहेंगे। प्रजातंत्र की मैंने यहां भी दोहराई है, किसी भी केंद्रीय भूत शक्ति को कई भागों में बांट देना
प्रजातंत्र कहलाता है। यानी जो सेंट्रलाइज पावर है, जो शक्ति एक जगह है इकट्ठी हो रखी है, उस शक्ति को भिन्न भिन्न टुकड़ों में अलग अलग क्षेत्रों में फैला देना चाहिए, शक्तियां अधिकार उनको दे देना चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सके। तो प्रजातंत्र में पंचायती राज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायती राज प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का ही एक माध्यम है और हमारे लिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि देश की आजादी के बाद हमारे देश में प्रजातंत्र या पंचायती राज की जो नींव है वो हमारे प्रदेश राजस्थान से ही रखी गई थी। सबसे पहले 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में इस प्रजातंत्र के जो पंचायती राज है उस पंचायती राज की आधारशिला, पंचायती राज का शुभारंभ तत्समय के प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस देश में रखी गई। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। उससे पहले हमने राजस्थान विधानमंडल में, देश के सर्वोत्तम राजस्थान विधानमंडल में 2 सितंबर 1959 को पंचायत समिति और जिला परिषद का विधेयक अधिनियम पारित किया था और उस अधिनियम के पारित करने के बाद 2 अक्टूबर 1 महीने बाद 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन कर दिया गया। तो पंचायती राज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, जहां नीचे गांव के स्तर पर हमें लोकतंत्र को स्थापित करना है, गांव का विकास करने के लिए वहां नियम कानून बनाने हैं, अधिनियम लाने हैं, वो व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से इस देश में प्रारंभ हुआ। इस पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहेंगे। पंचायती राज की विशेषताओं के बारे में देखिए, पहला है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब सबसे नीचे के स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में एक हर ग्राम में एक ग्राम पंचायत होगी जिसका मुखिया सरपंच होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा और निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वह उस गांव का मुखिया होगा। फिर ग्राम स्तर से ऊपर उठते हैं पंचायत समिति लेवल तक, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल जिसको हम बोलते हैं, वहां पंचायत समिति लेवल पर ब्लॉक लेवल पंचायत समिति होगी और पंचायत समिति के ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद होगी। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों संस्थाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं और ग्रामीण विकास करने के लिए तत्पर है। देखिए इसका मैं थोड़ा सही बता दूंगा, ग्राम पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि को हम सरपंच कहते हैं, पंचायत समिति में चुने हुए प्रतिनिधि को हम प्रधान कहते हैं, कुछ जगह इसको प्रमुख लोग प्रमुख बोलते हैं लेकिन हम राजस्थान में इसको प्रधान बोलते हैं और जिला परिषद की जगह है इसे हम जिला प्रमुख बोलते हैं जो हमारे राजस्थान में प्रचलन में है। और इन संस्थाओं में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतर्गत काम करने वाले जो भी कार्मिक हैं वो सभी कार्मिक इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधीन कार्य करेंगे, उनकी देख रेख में उनकी गाइडेंस के हिसाब से कार्य करेंगे, ऐसा भी अधिकार पावर इनको दिया गया है। दूसरा है विशेष दूसरी है तीनों स्तरों में आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया है। यानी तीनों स्तर जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों स्तरों में आपस में सामंजस्य है क्योंकि गांव का विकास करने के लिए तीनों का सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी है, बिना सामंजस्य विकास संभव नहीं है, इसलिए तीनों में बहुत सामंजस्य स्थापित किया गया है। स्थानीय लोगों को काम करने की आजादी रहेगी, यानी गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं ग्रामीण विकास के लिए उनको काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी, लेकिन देख रेख ऊपर से होगी, मॉनिटरिंग ऊपर से की जाएगी, काम स्वतंत्रता से अपनी आवश्यकता अनुसार भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जो उनको जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस प्रकार का विकास करना चाहेंगे उस हिसाब से उनको आजादी है, लेकिन आजादी के साथ ही उनकी निगरानी देख रेख ऊपर से की जाएगी।
पिछला तीनों स्टोर काल में निर्वाचन मंत्रियों के अधीन काम करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। साधन जुटाने, जन सहयोग संगठित करने के पर्याप्त अधिकार होंगे, यानी साधन जो ग्राम पंचायतों के जो काम है उन काम के लिए अर्थ धन साधन जुटाने की जिम्मेदारी वहां के प्रतिनिधियों को, वहां की जनता को होगी और वो अपने आवश्यकतानुसार संसाधन जुटाने के लिए स्वतंत्र होंगे और उनके पास इस संबंध में पर्याप्त अधिकार होंगे। तो ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम योजनाओं का अध्ययन इन दृष्टि द्वारा किया जाएगा। इससे इसका मतलब ये होगा कि ग्रामीण विकास की जो भी योजनाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं इस त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों के माध्यम से ही फलीभूत हो पाएगी, तीनों के माध्यम से ही गाँव में पहुँच पाएगी। इसके साथ ही गाँव में रहने वाले लोगों लोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन आदि क्रियाओं में सक्रिय भाग ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गाँव में रहने वाली जो जनता है, प्रजा है, वो उनका विशेष रूप से वहाँ के लोगों की तरफ से इससे संबंधित क्रियाओं में क्या सुधार चाहिए, क्या व्यवस्थाएं करनी है, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी उनकी हेल्थ के संबंध में क्या निर्णय करने हैं, क्या उनको व्यवस्थाएं देखनी है, वो ग्राम स्तर पर होगी और मॉनिटरिंग भी ग्राम स्तर पर होगी कि किस प्रकार से इसका किया जाना है। और फंडिंग जो एजेंसीज हैं वो खुद भी रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, ऊपर से भी इनके पास पैसा आएगा इस संबंध में। शिक्षा है, सिंचाई है, पशुपालन है, ये जो क्रियाएं हैं जो गांव में बैठा व्यक्ति उसको मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं जिन पे वो निर्भर है, उस निर्भर वाले सभी कामों को ग्राम स्तर पे ही मॉनिटरिंग और उनका क्रियान्वयन होगा। इसके लिए सहयोग ऊपर से भी उनको मिलता रहेगा। इस प्रकार से ये पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसके संबंध में हमने एक सामान्य परिचय आज यहाँ किया है। अपन इसी में पंचायती राज में आगे फिर टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें क्या इसके लाभ हैं, क्या हानि है, क्या ये सफल रही है, क्या ये सफल नहीं रही है, क्या हमें सुझाव देने हैं, ये सभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। आज हम यही स्टॉपिक को डिस्कस खत्म करते हैं। धन्यवाद।